गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हो गई है। पहले यह खबर इस वक्त मैं बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत गुना से हुई है और इस जीत को लेकर आश्वस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नजर आ रहे थे, लेकिन जीत गए हैं वो। शरद जी, वापस आती हूँ अपने सवाल पर। मैं कह रही हूँ कि अब जो आंकड़ा अलायंस का है 225 का, इस पर आप खुश तो होंगे, और खुशी होने के साथ साथ मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन न चुनाव आयोग को कोसेंगे न ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। हम आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सवाल पूछना इस देश में सबका अधिकार है। आज के दिन भी हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई भगवान नहीं है। इलेक्शन नहीं तो आज क्या पूछिएगा कि 225 क्यों दिए, 295 क्यों नहीं दिए? तो ये सभी देशवासियों के आपके बिहाफ पर हमें सवाल उठाने का वो है। हमने सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब सवाल दिया है। वो सवाल और तो कुछ और सवाल तो सर अलायंस के बिहाफ पर थे, वो जनता के बिहाफ पर नहीं थे। वो सवाल अलायंस के बिहाफ पर थे, उसको जनता का मुखौटा मत पहनाइए, क्योंकि वो सवाल आप पूछना चाहते थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सुबह से, क्योंकि ये नंबर्स आए हैं शरद जी एक्सेप्ट करिए ना इस बात को, क्योंकि ये नंबर अगर नहीं होते तो अभी भी आप ईवीएम और चुनाव आयोग को